जोधपुर की ग्वारीघाट पुलिस ने मुरम का अवैध परिवहन करते हुए चार हाइवा को पकड़ा है। जोधपुर के एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि हाइवा में मुरम भरी हुई थी, इसके संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। साथ ही इन वाहनों को अलग रूट पर चलते पकड़ा गया है। ग्वारीघाट पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। आरोपी चालकों से जानकारी ली जा रही है, हाइवा किसके हैं और कौन इस तरह का अवैध परिवहन कर रहा है। गौरतलब है कि जोधपुर में लगातार अवैध परिवहन के मामले सामने आ रहे हैं। ग्वारीघाट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और चार हाइवा जब्त किए हैं। जी हम हाइवे पर कार्रवाई की ग्वारीघाट थाने में, किस प्रकार की कार्रवाई? ये थाना ग्वारीघाट अंतर्गत चार हाइवा जो है ग्वारीघाट पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। इनमें अवैध रूप से मुरम का परिवहन किया जा रहा था, इसमें उनको जब्त करके अभी जांच कार्यवाही जारी है। कहाँ से आ रही थी ये, कहाँ जा रहे थे? ये ग्वारीघाट में ही पकड़ी गई है। रॉयल्टी इनके पास अलग रूट की थी और ये अलग रूट पर चला रहे थे जो कि नियम विरुद्ध है, तो इसमें जो है जांच की जा रही है। कितनी गाड़ियाँ हैं इसमें? चार हाइवा हैं। जबलपुर से आशीष पात्रे की रिपोर्ट।